अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो वैगनआर और सेलेरियो दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। 35 किलोमीटर पर केजी तक का एवरेज भी आपको मिल जाता है और गाड़ी में अच्छी खासी पावर भी मिलती है और दोनों ही गाड़ियां लगभग सिमिलर प्राइस रेंज पर आती हैं, सेम इंजन शेयर करती हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि मैं वैगनआर छोड़कर सेलेरियो लूँ या फिर सेलेरियो छोड़कर के वैगनआर लूँ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले इंजन की बात बता दूं, दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन K10C लगा हुआ है जो कि 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 56 bhp की पावर जनरेट करता है। और अगर यही इंजन आप पेट्रोल पे चलाएंगे, दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन है, तो अगर आप पेट्रोल पे चलाना चाहते हैं तो 66 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। दोनों गाड़ियों के अंदर सीएनजी के लिए 60-60 लीटर के टैंक है और अगर आप पेट्रोल पे चलाना चाहते हैं तो 32-32 लीटर के टैंक है। और जो इनके सीएनजी टैंक है उसमें लगभग 10 किलो तक की सीएनजी भरी जा सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई सीएनजी पंप में कितना ज्यादा प्रेशर है। दोनों ही गाड़ियां 34 प्लस किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती हैं कि मतलब 34 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से चल लेंगी या उससे ज्यादा चलेगी। हालांकि रियल लाइफ में लगभग 30-31 दोनों ही टच कर देती हैं। सेलेरियो पेट्रोल इंजन में भी 27 का क्लेम करती है, तो 35 यहां पर कहा जा सकता है बट 30-31 तक आराम से निकाल लेती है। बात यह आती है कि दोनों गाड़ियों का वेट अलग अलग है जिसकी वजह से सेलेरियो थोड़ा ज्यादा अच्छा माइलेज आपको देती है। सेलेरियो का वेट लगभग 910 केजी हो जाता है सीएनजी वाले वेरिएंट में, वहीं अगर आप वैगनआर की बात करोगे तो लगभग 925 केजी का इसका वेट हो जाता है। पर डिफरेंसेस इन दोनों गाड़ियों में बहुत सारे हैं। बाहर से दिखने में सेलेरियो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, वही वैगनआर थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन लगती है या कहेंगे डब्बा लगती है। पर अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे लगभग दोनों सिमिलर सी हैं। सामने की तरफ दोनों में हैलोजन हेडलाइट मिलेंगे, पीछे की तरफ हैलोजन टेल लाइट्स मिल जाते हैं। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी नहीं है, दोनों के अंदर सिंपल से एंटीना आपको मिल जाएंगे। दिखने में दोनों में से सेलेरियो थोड़ी ज़्यादा बेटर लगेगी और आपको लगेगा कि सेलेरियो ले लेनी चाहिए, पर जब अर्गोनॉमिक्स की बात आएगी तो वैगनआर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। कैसे, तो चलिए पहले फ्रंट सीट पर समझ लेते हैं। जैसे ही आप दोनों गाड़ियों के दरवाजे खोलेंगे तो आपको सेलेरियो के दरवाजे पर ज़्यादा कुछ बटने नहीं मिलने वाली है, सिर्फ लॉक और अनलॉक आपको मिलेगा। जब आप वैगनआर देखेंगे तो उसके दरवाजे के ऊपर आपको बहुत सारी कीज़ दिखेगी जिसमें पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलेंगे, ORVM के कंट्रोल मिलेंगे और दरवाजे में नीचे की तरफ काफ़ी बड़ा स्पेस मिलेगा जिसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। सेलेरियो में सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे भाई मतलब इसमें क्या ORVM पावर्ड नहीं है? पावर विंडोज भी हैं और ORVM भी पावर्ड है, लेकिन ORVM का बटन आपको मिलेगा स्टीयरिंग के पीछे की तरफ, वो भी राइट साइड में, जहां पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है पेट्रोल या सीएनजी पे शिफ्ट करने का। वैगनआर और सेलेरियो दोनों में सेम जगह पर बटन है, लेकिन उसी के बाजू में सेलेरियो में आपको मिलेगा ऑप्शन ORVM कंट्रोल का, तो आपके लिए थोड़ी सी अलग जगह हो जाती है। और ड्राइवर साइड विंडो या फिर को ड्राइवर साइड विंडो अगर आपको कंट्रोल करनी है तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड के बीच में आना पड़ेगा जहां पर म्यूजिक सिस्टम होता है। म्यूजिक सिस्टम के पैच के जस्ट नीचे में आपको बटन मिल जाएगी सेलेरियो के अंदर। थोड़ा सा अलग लगता है, कन्वेंशनल गाड़ियों से थोड़ा सा अलग ही नज़र आता है, जबकि वैगनआर आपको सिंपल से सामने की तरफ बटने दे देती है दरवाजे के ऊपर और वहीं पर आपको ORVM कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। इसी तरह इंटीरियर की बात करेंगे तो जो सीट्स हैं या डैशबोर्ड है वैगनआर का, वो बेज एंड ब्लैक कलर में मिक्स्ड है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको ओपन सा लगता है, खुला खुला सा और अच्छा सा लगता है, जबकि सेलेरियो पूरी की पूरी ब्लैक है। और ऐसा नहीं कि ब्लैक अच्छा नहीं लगता, आप प्रीमियम गाड़ियों में जाओगे तो ब्लैक पूरा इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पोर्टी दिख लगता है, लेकिन यहाँ पर हो रही है एंट्री लेवल गाड़ियों की, तो ये जो ब्लैक है इसका प्लास्टिक सस्ता होने की वजह से, प्लास्टिक कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होने की वजह से उतना बेटर नहीं लगता है। वैगनआर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। प्लस एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि क्योंकि ये CNG वेरिएंट VXI वेरिएंट्स हैं, इन दोनों में से वैगनआर के अंदर आपको 2DIN वाला ऑडियो सिस्टम मिल जाता है जिसके एक छोटा सा डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, दो स्पीकर आपको सामने की तरफ मिल जाएंगे, साथ में ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाएगी और USB पोर्ट भी मिल जाता है वैगनआर के अंदर। जबकि सेलेरियो में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं है, कोई म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है, उस जगह को ब्लैंक छोड़ा गया है। उसकी जहाँ बटने होनी चाहिए वहाँ पर आपको हजार्डस लैंप की बटन मिल जाती है, विंडो रोल डाउन करने की बटन मिल जाती है और कुछ नहीं मिलता है। और हाँ, दोनों ही गाड़ियों के अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट है, लेकिन क्योंकि म्यूजिक सिस्टम है वैगनआर आपको USB का पोर्ट दे देती है, लेकिन ऐसा कोई भी पोर्ट सेलेरियो में नहीं मिलेगा। सेलेरियो में सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट सॉकेट मिलेगा, चार्ज भी करना है फोन तो उसका ही सहारा आपको लेना पड़ेगा। फिर बाजू में आ जाती है बात को ड्राइवर के सामने क्या है, तो भाई उसके सामने सिंपल सा वैगनआर में बीच कलर का डैशबोर्ड है, सेलेरियो में ब्लैक कलर का, और नीचे की तरफ को ड्राइवर के सामने आपको ग्लव बॉक्सेस मिल जाएंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पर वैगनआर एक्स्ट्रा देती है, वो है टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग के लिए, जबकि सेलेरियो में नहीं मिलता है। अब देखो दोनों ही गाड़ियों की जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीटें हैं फोर वे में एडजस्टेबल है कि भाई उनको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो या फिर आप रिक्लाइन कर सकते हो, मतलब पीठ वाली जो चीज़ है उसको रिक्लाइन कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और हाइट एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में नहीं है, तो जब टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग के लिए मुझे वैगनआर में मिलता है, मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा उसे मानता हूँ कि मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा चलाना, जबकि सेलेरियो में ये चीज़ नहीं है। तो अर्गोनॉमिक वाइज फ्रंट सीट मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। एक और चीज़ है कि जो सन शेड्स हैं, जो शेड्स आपको मिलते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा चौड़े आपको वैगनआर के अंदर मिलेंगे, तो जब भी सामने से धूप आ रही है उनको आप और वही साइड ग्लास को भी कवर कर लेंगे। सेलेरियो में भी है बट थोड़े से छोटे पड़ जाते हैं। और दोनों ही गाड़ियों की को ड्राइवर सीट पर जो सन शेड्स हैं उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। ORVM दोनों के मैनुअल हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं नाइट के लिए, दिन के लिए। एक और चीज़ जो डिफरेंट है कि भाई दोनों के अंदर हेडलाइट
की हाइट एडजस्टर हैं, लेकिन वैगनआर के अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आता है जो कि आपको स्टीयरिंग के पीछे की तरफ मिल जाएगा। वहीं अगर आप सेलेरियो में देखेंगे तो वो मैकेनिकल वाला सीन होता है, तार से खींच करके वो काम करता है। दोनों ही गाड़ियों के MID लगभग सिमिलर से हैं, वहाँ पर ज़्यादा फर्क आपको देखने नहीं मिलेगा, और दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल AC और हीटर आपको मिल जाएगा। तो ये तो रही फ्रंट सीट की बात, जहाँ पर वैगनआर थोड़ी सी बेटर लग जाती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, वैगनआर में थोड़ा सा अलग उसका प्लेसमेंट है, सेलेरियो में सामने की तरफ ही आपको मिल जाएगा। पर ओवरऑल डैशबोर्ड अगर देखेंगे तो आपको वैगनआर का थोड़ा ज़्यादा अच्छा और थोड़ा ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगेगा। अब बात करते हैं कि भाई रियर सीट पर किस तरीके का सीन है। तो रियर विंडोज़ को डाउन करने के लिए वैगनआर में सामने की तरफ ड्राइवर वाले दरवाजे पर भी बटन्स थी, जो कि सेलेरियो में नहीं है। सेलेरियो में सामने की तरफ दो बटने हैं और पीछे की तरफ दो बटने हैं, वो भी कहाँ पर? रियर सीट पर जब आप बैठेंगे तो आपको पता है फ्रंट सीट के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहाँ सेंट्रल कंसोल होता है, हैंड ब्रेक होता है, उसके जस्ट पीछे में दो बटने आपको मिलेगी कि भाई आप पीछे की विंडोज़ को रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। तो ये भी एक अलग अलग चीज़ होती है, जबकि वैगनआर में ऐसा नहीं है। वैगनआर में आपको डायरेक्टली दरवाजे पर ही बटने मिल जाएगी, जो कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा जब सीट की बात करोगे रियर सीट की, दोनों में बढ़िया सा लेग रूम आपको मिल जाता है। हेडरूम वैगनआर का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशियस ज़्यादा आपको लगेगी सेलेरियो के मुकाबले। थोड़ी सी ज़्यादा रिक्लाइंड सीट जो है सेलेरियो की होती है, वैगनआर थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेट सीट लेकर के आती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा आराम रियर सीट पर कह सकते हो कि थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आपको पता है तो सेलेरियो पे महसूस होगा कि थोड़ा ज़्यादा आराम है। पर सीट क्वालिटी की बात करूंगे लगभग दोनों सिमिलर सी हैं, बस फर्क यह है कि वैगनआर बेज एंड ब्लैक कलर की सीट्स देती है, जो कि ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। दोनों ही गाड़ियों की रियर सीट को 60-40 में स्प्लिट किया जा सकता है, ताकि उनका थोड़ा थोड़ा बूट स्पेस बढ़ाया जा सके। बूट के तरफ गए हैं तो आपको बता दूं कि वैगनआर का टोटल बूट है 343 लीटर का, जबकि सेलेरियो का 313 लीटर का आता है। पर फर्क है क्योंकि दोनों के अंदर सिलेंडर रखा हुआ है 60-60 लीटर का, जो कि बहुत बड़ा स्पेस घेर लेता है। अब ऐसे में आपको दिख तो रहा होगा कि भाई वैगनआर का थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से बड़ा बूट है, पर जितना आपको लग रहा है कि भाई 30 या 40 लीटर का ही फर्क है, ऐसा नहीं है। वैगनआर में बहुत बड़ा फर्क आता है, क्योंकि वैगनआर का जो ओपनिंग है बूट का वो ज़्यादा बड़ा है, जबकि सेलेरियो का ओपनिंग जो है दरवाज़ा जो है पीछे वाला थोड़ा सा छोटा है। तो सामान रखना काफ़ी ज़्यादा वैगनआर में ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेलेरियो। तो अगर प्रैक्टिकली मैं सोचूं, मैं वैगनआर की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकूंगा, क्योंकि अर्गोनोमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स वहाँ पर दिए गए हैं, प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ मुझे मिल जाता है। 20,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग मिल जाता है, डैशबोर्ड ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, बटन्स जो है वो सही जगह पर मिल जाते हैं, प्लेसिंग उनकी बहुत ज़्यादा जगह है, और स्पेशियस ज़्यादा मिल जाता है, बूट स्पेस भी थोड़ा यूजेबल मिल जाता है, जो कि सेलेरियो के मान में नहीं है। अगली बात है कि भाई जब बाहर से देखेंगे तो गाड़ी में आपको 14 इंचेस के टायर मिलेंगे दोनों में, 165/70 R14 के टायर दोनों के अंदर लगे हुए, स्टील रिम मिलती है, और सामने की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। और दोनों ही गाड़ियों में ABS EBD मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी और ज़्यादा कह सकते हो कि बैलेंस्ड चलती है। हाँ, बॉडी रोल थोड़ा सा वैगनआर में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप CNG सोच रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से आप नहीं सोच रहे कि आपको 90, 100, 110 भगानी है। आपको गाड़ी अगर स्लो चलानी है, अगर आप 60, 70, 80 चलते हैं सिटी में ड्राइव करना है, तो बॉडी रोल बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता। दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो वैगनआर का सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी रोल आपको मिलेगा। तो सेफ्टी वाइज अगर देखोगे दोस्तों, दोनों गाड़ियों के अंदर दो एयरबैग आपको मिल जाते हैं। दोनों में ही कंपेयर करोगे तो दोनों ही एक दूसरे से महान नहीं है, सेफ्टी वाइज लगभग सिमिलर ही प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। थोड़ी सी भारी वैगनआर हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल सकता है। और अगर आप सच में 100-150 भगाने वाले हैं, जो कि CNG में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर दिक्कत है। अगर आप 60-70-80 चलने वाले हैं, 100 तक मुश्किल से पहुंचने वाले हैं, और सिटी ड्राइव कर रहे हैं, तब तक की कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, सिर्फ 20,000 के डिफरेंस में वैगनआर यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, बहुत बड़ा लीड लेकर के आती है सामने, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं ले रहा होता तो वैगनआर की तरफ जाता। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।